हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे सीटे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सा एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा इस डिवाइस के बारे में कि डिवाइस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके नुकसान क्या है। तो इसके जब फायदे के बारे में जानिएगा तो खुद से पागल हो जाएगा, सोचिएगा मैं इसको लगा लेता हूँ, ले लेता हूँ अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए, अपने ऑफिस के लिए या फिर अपने स्कूल के लिए, स्कूल में जो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए क्लास बनाया जाता है उसके लिए। तो काफ़ी अच्छा है। यदि आप इसके अच्छाइयों के बारे में जानेंगे तो आप इसे लेना पसंद करेंगे, लेकिन जब इसको खामियों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप इसे उठा के सीधा बाहर फेंकना पसंद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके अच्छाइयों के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक मिनी कंप्यूटर की तरह है, एक सीपीयू की तरह है, सीपीयू की तरह है और ये लगभग 2500-3500 में आराम से मार्केट में मिल जाता है, जिसको थिंक स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो लगाते हैं लोग, किस कारण से इसका लगाने का सबसे ज़्यादा मेन वजह क्या है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, यदि किसी को बताया जाए ना तो जल्दी तुरंत, मैं कह रहा हूँ कि तुरंत वो अगला कहता है कि चलो मैं इसको लगा लेता हूँ, इसके ज़्यादा फायदे। काफ़ी लोग उसको लगाए हैं, लेकिन कारण है इसका सबसे मेन जो कारण है लगाने का, वो कारण है इसका इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यदि आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जितना बिजली ले रहा है, मान लीजिए कि आपको महीने में 10 यूनिट ले रहा है एक कंप्यूटर, तो आप इसको उस 10 मिनट पे कम से कम 20 मिनी पीसी चला सकते हैं। इतना ज़्यादा, मतलब कि 20 गुना ज़्यादा बिजली बचाता है, बहुत ज़्यादा बिजली बचाता है इसके अंदर। इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि चलो लगा लेंगे तो कुछ 2 साल 1 साल या हमारा 4 महीने में हमारा पूरा सिस्टम का जो पैसे होंगे वो पूरे हो जाएंगे, यह सोच के लगाते हैं। और आगे चल के जो हमारा महीने का बिजली बिल आता है 10,000, वो हमारा 1,000, 1,500, 2,000 रुपये इस तरह से बिजली बिल आएगा। तो बिजली बिल पे काफ़ी फायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा भी वजह है लोग लगाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि मुझे बाकी कंप्यूटर की तरह बार बार सर्विस नहीं करने पड़ेगा। जैसे बाकी कंप्यूटर बार बार सर्विस करने पड़ता है, विंडो चेंज करने पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ता है और उसको सफाई करने पड़ता है, ब्लर वगैरह मारने पड़ता है खोल खोल के, फिर रैम कभी प्रॉब्लम, कभी हार्ड डिस्क प्रॉब्लम, कभी डिस्प्ले प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम आते रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सर्विस का कोई टेंशन ही नहीं है, बस एक बार फिक्स कर दिए, अपना लगा है, अपना अपने तरीके से काम करता है। तो इसलिए भी लोग ज़्यादा सोचते हैं कि पहला बिजली बचेगा, दूसरा हमें बार बार विंडो विंडो का झंझट से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए भी इसे ज़्यादातर लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन कहते हैं लगाने के बाद जब वो लगाते हैं तो सोचते हैं कि इसको उठाकर फेंक दें, ये कहीं भी आराम से एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल जगह नहीं लेता है। तो ये सारी बातें सुन के कहीं आप लेने के लिए मत सोचने लग जाइए कि चलिए इसको मैं ले लेता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना। तो ये सारी बातें हो गई अच्छाई की, इसकी अच्छाई है। अब इसको हम इसके पीछे से शुरू करते हैं। अच्छाई यार क्या सोचते हो पीछे से? तो उसके अनुसार हम इसकी अच्छाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, सबसे मेन दिक्कत है, एकदम स्लो है, इतना स्लो है कि यदि आप वर्ड एक्सेल पे कोई शेप डिजाइन कर रहे हैं, कोई ड्रा कर रहे हैं, तो उस पर आपको हैंग कर जाएगा, प्रोसेस ही नहीं करेगा। आप क्लिक किसी जाएगा, क्लिक कोई और होता रहेगा, वो पिछला प्रोसेस ही चलता रहेगा। तो इतना ज़्यादा स्लो है कि इस पर फोटोशॉप वगैरह करना तो भूल जाइए, आप इस पर एक्सेल में आप सेप तक डिजाइन नहीं कर सकते। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि कुछ बिजली बचे, कुछ बिजली बिल बचे, सर्विस कम करने पड़े, मेहनत आपका कम लगे, तो यदि आप उसका सब कुछ मैं आपको बताया कि इसके फायदे क्या है, लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप यह सोच के लगाइए अपने सेंटर में, स्कूल में या अपने ऑफिस में कि जहाँ पर सिर्फ इस पर टाइपिंग किया जाए, सिर्फ टाइपिंग, जैसे कोई लेटर हेड लिखना है या फिर कोई टाइपिंग करके कोई चीज़ निकालना है, जैसे लेटर वगैरह रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, उसके लिए सिर्फ टाइपिंग करना है, बस टाइपिंग प्रपोज के लिए यदि आपको लगाना है तो अपने सेंटर पे लगाइएगा। यह सोच के कभी मत लगाइए कि मैं इस पे एडवांस फीचर्स के एक्सेल वर्ड चलाऊं या फिर फोटोशॉप चलाऊं, पावर ड्रा चलाऊं। यदि आप अपने कंप्यूटर सेंटर में सिर्फ इसी को लगा लिए, बाकी कोई भी आपके पास ड्यूल कोर P4 या फिर कोई भी एडवांस कंप्यूटर नहीं है, i3 वगैरह कोई भी, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं है आपके पास, PC नहीं है, तो सच कहता हूँ यदि आपके कंप्यूटर सेंटर है तो स्टूडेंट भाग जाएंगे। यदि आपका ऑफिस है, ऑफिस में यदि उसको लगाना चाहते हैं, तो जो काम आपका 1 दिन में होने वाला है वो आपके 4 दिन में होगा, काम 4 दिन में होगा। और यदि आप स्कूल में, तो स्कूल में तो भाई लोग आके सब चलता है। यदि फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बताया कि उसके बाद में यदि आप लगाना चाहते हैं, तो फिर से मैं आपको कहता हूँ कि लगाना भी होगा तो इसमें एक महंगा वाला आता है जिसमें रैम अलग से लगा होता है, लगभग 4,000-4,500 से ऊपर का आता है, वो आप वो वाला लगाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद में बात करते हैं कि यूज किस तरह से किया जाता है, क्या चीज़ है जो कि मुझे पहले बताना चाहिए, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक थिन क्लैंड है और इसे यूज किस तरह से किया जाता है, जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, यदि आपके पास कोई i5 है, i3 है,
आई सेवन है तो आप उसको एक सर्वर के तौर पे उसको बना लेते हैं, सर्वर की तरह उसको रख लिए, ये कंप्यूटर आपका लग गया और इसको आप ढेर सारा लगा लेते हैं। इसमें क्या आता है कि यहाँ पर पोर्ट दिया होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैन का पोर्ट होता है, राउटर द्वारा बहुत सारे लैन केबल से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप एक मेन जो कंप्यूटर रहेगा, मेन सर्वर जिसको माने रहेंगे, आप सर्वर बनाए रहेंगे अपने सिस्टम को, उससे लैन जो आएगा सब में कनेक्ट हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर मेन सर्वर में रहेगा आप उसी को अलग 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 डेस्कटॉप पे अलग अलग मॉनिटर पे यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि उसको एक यूजर को, मतलब कि जैसे हम अपने सिस्टम में यूजर बनाते हैं, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, आप अलग अलग नाम से अपना यूजर बनाते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, आप देखते होंगे, शायद आपको पता होगा यूजर के बारे में। तो उसी तरह से आप आपके कंप्यूटर सेंटर में 10 इस तरह से थिन क्लाइंट लगा हुआ है, तो उसमें आपको 10 यूजर बनाने पड़ेगा जो मेन कंप्यूटर एक रखेगा। तो जितने का ये प्राइस है, जितने में मार्केट में आता है, उतने में आपको P3 या P4 भी आपको आराम से कंप्यूटर CPU मिल जाता है। तो बस फर्क क्या है लगाने का, वजह है तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने का और सर्विस बचाने का, इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, बाकी जो कुछ था मैं बिल्कुल सही से बताया हूँ, कोई झूठ नहीं है, काफ़ी लोग उसको लगाए हुए हैं। तो नहीं तो मेरे पास भी एक है, मैं भी लगाया था, मैं भी यही सोच के लगाया था, लिया था कि इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और बिजली बिल बचेगा मेरा और सर्विस करने कम से कम सर्विस करने पड़ेगा। लेकिन मैं सोचा कि मैं ज़्यादा इकट्ठे ना लगाऊं, पहले मैं एक लगा के देखूं कि वजह क्या कुछ है। तो उसी तरह से मैंने एक लगा के देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैं आपको बताया। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ अपने ग्रुप में व्हाट्सएप फेसबुक में प्लीज इसको शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर रखे हैं फ्रेंड्स तो बेल बटन को जरूर दबाइए, जो बेल आइकन होता है, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।